So, hello guys, welcome to my channel, Mr. Lambda B Sports. Yep, with the football series, the transfer news, the transfer rumors, the Suruka Tashka video, Penakasi Derika, the subsequent or Bath Kalate, India versus UAE ke match ke baare mein. To sabse pehle to is match ka jo timing hai wo thoda sa change hua hai. Ye match aaj raat 8:30 baje hoga. Isse pehle ye match actually 9:45 minute mein hone wala tha, but 8:30 baje hoga ye match and timing thoda sa change hua hai kal. And is match mein Gurpreet Singh Sandhu first 11 mein honge and is match mein captain bhi honge Gurpreet Singh Sandhu and is match mein Adil Khan and Mashur Sharif ko start karwaya jayega and Apuya ko bhi starting 11 mein shuruaat se rakha jayega. So ye thoda thoda update Igor Stimac ne diya hai and definitely bahut zyada interesting hoga ye match dekhna kyunki UAE Oman se bhi zyada badhiya team hai and bahut zyada strong team hai UAE. So definitely hard match to definitely hoga. Isse pehle India ne UAE ko do baar haraya hai, but wo bahut saal pehle India ne UAE ko do baar haraya tha. So abhi to UAE को हराना मुश्किल तो डेफिनेटली है, बड़ा हो सकता है इंडिया का रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है एंड इगोर स्टिमैक ने बोला है कि यंग प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए एंड जो कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है इंडियन नेशनल टीम से. बड़ा पहले मैच में इंडियन नेशनल टीम का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था एंड वो होगा भी नहीं क्योंकि पूरा नया टीम है, टीम को सेट होने में टाइम लगता है. इससे पहले इन सारे प्लेयर्स ने खेला तो है बट अलग अलग टीम में, तो हिसाब से कॉम्बिनेशन बिठाने में थोड़ा सा तो टाइम हम लोग को देना पड़ेगा टीम्स को. एंड एक बार अगर इस टीम का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो कमाल का टीम बन जाएगा इंडियन नेशनल टीम एंड डेफिनेटली ये मैच बहुत ज्यादा क्लोज होगा एंड देखने लायक होगा कि ये मैच कौन जीतता है. एंड हाँ, ये मैच यूरो स्पोर्ट्स में ही टेलीकास्ट होगा. एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मुझे पता है आपको फुटबॉल देखना और फुटबॉल मैचेस को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड रिसेंटली मुझे एक कमाल का फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है माई 11 सर्किल. एंड आपको तो पता है कि माई 11 सर्किल में फैंटेसी फुटबॉल खेलना इतना ज्यादा ईजी है. आपको बस 11 प्लेयर्स को चूज करना है फ्रॉम आइदर ऑफ द टू प्लेइंग टीम्स एंड आपको अपना खुद का टीम बनाना है. एंड आप सबको पता है कि फुटबॉल पूरी दुनिया में कितना ज्यादा फेमस है एंड पूरी दुनिया में ये स्पोर्ट्स खेला जाता है, चाहे वो इंग्लैंड हो, स्पेन हो, जर्मनी हो एंड इवन इंडिया में भी ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है. एंड इस ऐप का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप फैंटेसी फुटबॉल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिशन में घर बैठे बैठे. ऑल्सो इंडियन फुटबॉल लीग के लिए इनके पास 4 टाइम से लेके 8 टाइम्स तक कॉम्पिटिशन चल रहा है जहाँ पे आप 4 गुना से लेके 8 गुना तक जीत सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माई 11 सर्किल की आपके जितने भी विनिंग्स है वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में एंड ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है. एंड ये कुछ विनर्स है जिन्होंने माई 11 सर्किल खेल के करोड़पति बने. सब किस बात का वेट कर रहे हो, डाउनलोड करो ये ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा एंड मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्किल. एंड ऑल्सो आपको 1500 रुपए का एक बोनस मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट में. दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क. तो उड़ीसा एफसी की तरफ से तो उड़ीसा एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया देवजीत मजुमदार के ऊपर एंड देवजीत मजुमदार जो कि एक 33-year-old गोलकीपर है एंड इस साल उनका परफॉर्मेंस कमाल कर रहा है एंड उसके बाद भी एक्चुअली ईस्ट बंगाल ने सुब्रत पॉल को अपनी टीम में लाया था एंड इसी के वजह से मेरे हिसाब से देवजीत मजुमदार को उतना चांस नहीं मिलेगा एंड देवजीत मजुमदार का जैसा परफॉर्मेंस था उनको डेफिनेटली कोई दूसरा टीम मिल ही जाएगा. बट हाँ, उड़ीसा एफसी में भी अर्शदीप सिंह का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सो मेरे हिसाब से उनको भी हटाना सही नहीं होगा. अब उड़ीसा एफसी का डिफेंस इतना ज्यादा वीक था तो इसी के कारण अर्शदीप सिंह ने गोल कंसीड किया है, वरना अगर अर्शदीप सिंह नहीं होते तो मेरे हिसाब से उड़ीसा एफसी डबल गोल कंसीड करते क्योंकि अर्शदीप सिंह का गोलकीपिंग कमाल का था इस सीजन में. बट हाँ, फिर भी देवजीत मजुमदार एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर है एंड वो उड़ीसा एफसी में डेफिनेटली जा सकते हैं एंड एज बिकॉज ईस्ट बंगाल के पास ऑलरेडी सुब्रत पॉल है तो देवजीत मजुमदार को तो हार्डली कोई मौका मिलेगा एंड इसी के वजह से मैंने उस टाइम पे बोला था कि सुब्रत पॉल का साइनिंग अचानक से ज्यादा कुछ सेंस बना नहीं रहा है ईस्ट बंगाल में क्योंकि ऑलरेडी देवजीत मजुमदार का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था एंड उनको बिठाना उस टाइम पे सही नहीं था एंड मेरे हिसाब से देवजीत ईस्ट बंगाल छोड़कर कोई दूसरे क्लब में जाएंगे. बट हाँ, वो कौन सा क्लब होगा ये अभी भी देखने लायक चीज है क्योंकि उड़ीसा एफसी ने बस इंटरेस्ट दिखाया है, शायद कोई दूसरे क्लब्स भी हो जो इंटरेस्टेड हो देवजीत मजुमदार के ऊपर एंड डेफिनेटली देवजीत मजुमदार को दूसरे क्लब में जा सकते हैं, देखते क्या होता है. सुरक्षित हमारा कोमल थतल की तरफ से तो कोमल थतल के ऊपर इंटरेस्टेड है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड जमशेदपुर एफसी एंड एस बिकॉज कोमल थतल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रहा है इसी साल मई में एंड इसी के वजह से 2 क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया है कोमल थतल के ऊपर एंड एस बिकॉज कोमल थतल को भी पता है कि वो अगर एटीके मोहन बगान में रहते तो उनको हार्डली एक दो
दो मैचेस में मौका मिलेगा, वो भी एज अ सब्स्टिट्यूट। बड़ा कोमल थताल के अंदर टैलेंट है, हमने अंडर 17 वर्ल्ड कप में देखा था वो, एंड उसके बाद भी हम लोगों ने देखा था कि कोमल थताल के अंदर टैलेंट तो है, वो प्रॉपर यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उनको प्ले टाइम ही नहीं मिल रहा है। लास्ट दो सीजन से मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट बैठे हुए, एक दो मैचेस में उनको मौका मिला है, बट वो भी लास्ट सीजन में, उससे पहले का जो सीजन था उसमें तो एटीके में उनको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मौका नहीं मिला था लास्ट सीजन में, फिर भी उन्होंने 5 मैच खेला है। सो डेफिनेटली कोमल थताल को मेरे हिसाब से दूसरे क्लब में जाना चाहिए जहां पे उनको प्रॉपर प्ले टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर एक प्लेयर को प्ले टाइम नहीं मिलता तो उनका जो प्लेइंग क्वालिटी है वो डेफिनेटली खराब होता है, एंड इसी के वजह से मेरे हिसाब से वो नॉर्थ ईस्ट या जमशेदपुर एफसी में जा सकते हैं, दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, एंड मेरे हिसाब से वहां पे उनको प्रॉपर प्ले टाइम भी मिलेगा। शायद शुरुआत में उनको फर्स्ट 11 में ना रखा जाए क्योंकि वो इतने साल फर्स्ट 11 में नहीं थे, एंड अचानक से तो उनको फर्स्ट 11 में मौका मिलना थोड़ा सा टफ है, उनको अपने लिए एक जगह बनाना पड़ेगा, एंड एज बिकॉज उनका स्किल भी थोड़ा सा डिग्रेड तो हुआ ही है। सो फर्स्ट 11 में डायरेक्टली मौका मिलना अभी तक थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इंडियन फुटबॉल में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एंड जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा बात है। हर एक स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छे प्लेयर्स नहीं उठेंगे, सो इसी की वजह से कॉम्पिटिशन हाई है, एंड कोमल थताल को अपने लिए एक अलग से जगह बनाना पड़ेगा। सो देखते कि क्या कोमल थताल एटीके मोहन बगान छोड़ के कोई दूसरे क्लब में जाते हैं नहीं। सुरक्षित सुमित राठी की तरफ से तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सुमित राठी क्या एफसी गोवा में आएंगे, तो मैंने पहले ही कवर कर दिया था कि एटीके मोहन बगान छोड़ के सुमित राठी एफसी गोवा में नहीं जाएंगे, एंड सुमित राठी का जो रिलीज क्लॉज है वो 1 करोड़ के करीब है, एंड डेफिनेटली एफसी गोवा इंटरेस्टेड तो है सुमित राठी के ऊपर, बट सुमित राठी खुद एटीके मोहन बगान छोड़ के अभी नहीं जाना चाहते, एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी एटीके मोहन बगान के साथ अभी भी है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली सुमित राठी ने साइन किया था एटीके मोहन बगान के साथ, तो इसी की वजह से उनका एफसी गोवा में जाने का चांसेस कम है बहुत ज्यादा। एक एक्सेप्शन हो सकता है कि शायद सुमित राठी को, एज बिकॉज एटीके मोहन बगान में उतना प्ले टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि संदेश जिंगन एंड टीरी जैसे डिफेंडर्स को बैठा के सुमित राठी को प्ले टाइम देना काफी ज्यादा मुश्किल है, एंड उनको मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है एक्चुअली, एंड इसी की वजह से सुमित राठी शायद ये डिसाइड कर सकते कि वो कोई दूसरे क्लब में जाएंगे जहां पे उनको प्रॉपर प्ले टाइम मिलेगा, क्योंकि सुमित राठी एक कमाल के डिफेंडर है, उनके पास एक कमाल का स्किल सेट है। हां एक्सेप्ट सेमीफाइनल फाइनल में मानता हूं उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, अब उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा यंग प्लेयर थे, एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ एक प्लेयर और ज्यादा इंप्रूव करता है। सो मेरे हिसाब से उनको एक ऐसे क्लब में जाना चाहिए जहां पे उनको प्रॉपरली प्ले टाइम मिलेगा, एंड एफसी गोवा में उनको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि मेरे हिसाब से एफसी गोवा यही प्लान कर रहे कि आदिल खान एंड सुमित राठी इन दोनों डिफेंडर को वो लोग खिलाए, एंड एज बिकॉज सुमित राठी लेफ्ट बैक एंड सेंट्रल बैक दोनों ही पोजिशन खेल सकते हैं, तो इसके चलते नेक्स्ट सीजन में एफसी गोवा अपने मिडफील्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते, तो ऐसा कुछ प्लान शायद था एफसी गोवा का, बट एज बिकॉज सुमित राठी अब एटीके मोहन बगान नहीं छोड़ रहे तो वो एफसी गोवा में नहीं आएंगे, बट हाँ ये चीज हो सकता है, बट इसका होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, सो मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट एक ना होने वाला डील है, बट देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। सुरेश इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में आज फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर, एंड फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में कल था मैच जर्मनी वर्सेस रोमानिया, एंड जितने भी लोगों ने मैच देखा है उनको पता है कि जर्मनी ने कल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेला है, अटैक किया है 100% अटैक खेला है जर्मनी ने, मतलब फुल एकदम घुस के अटैक कर रहे थे जर्मन टीम, बट कन्वर्शन रेट उनका बहुत ज्यादा खराब, मतलब अगर हम लोग देखें जर्मन प्लेयर का इंडिविजुअल स्किल सेट तो वो नेक्स्ट लेवल था, गॉड लेवल था, मैं बोलूंगा लेरॉय साने, ग्रैबरी, इन सबका जो स्किल सेट था कमाल का था, कमाल का स्किल दिखाया है इन सारे प्लेयर्स ने, बट उनका कन्वर्शन रेट बहुत ज्यादा खराब था, एंड रोमानिया के बारे में ज्यादा कुछ हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि उनको गिना चुना एक दो ही मौका मिला था, एंड उसमें भी उन्होंने एक अच्छा मौका मिला था जो कि एटलीस्ट थोड़ा सा मैनुअल नोया को मुश्किल में डाल सकता था, बट वो शॉट मैनुअल नोया के बॉडी पे मार दिया है प्लेयर ने, पुस्कस नाम था रोमानिया का उस प्लेयर का, एंड अगर हम लोग जो गोल किया है सर्ज ग्रैमरी ने वो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा इजी गोल था उनके लिए क्योंकि उनको बस पैर लगाना था अपना एंड वो ऑटोमेटिकली गोल हो ही जाता, एंड सर्ज ग्रैमरी ने वही किया है, उन्होंने बस अपना पैर लगाया है एंड वो गोल हो गया, एंड मेरे हिसाब से एटलीस्ट और 3 गोल होना चाहिए, मतलब मुझे अगर कोई पूछे तो मेरे हिसाब से तो इस मैच में 6-7 गोल होना चाहिए था, एंड जर्मनी को 6-7 गोल करना चाहिए था इस मैच में, बट हाँ 4 गोल एटलीस्ट होना चाहिए था, एंड मेरे हिसाब से अगर ये स्कोर लाइन 4-0 होता तो मैं ज्यादा कुछ शॉक्ड होता नहीं, बट हाँ स्कोर लाइन 1-0 था एंड जर्मनी ने जीता है जो कि इंपॉर्टेंट है जर्मन नेशनल टीम के लिए, कॉन्फिडेंस को एक बूस्टअप देगा, एंड इससे पता चलता है कि अभी तक कॉम्बिनेशन प्रॉपरली बैठा नहीं है, एंड टीम में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बट
थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा एंड उम्मीद करते हैं कि यूरो 2021 से पहले ये चीज हो जाए, वरना यूरो में ओपोनेंट्स इस चीज का फायदा डेफिनेटली उठाएंगे एंड देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में जर्मनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सिलेक्शन ड्राइवर मार्टिन ओडेगार्ड की तरफ से, तो मार्टिन ओडेगार्ड के ऊपर दो इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब से इंटरेस्ट दिखाया एंड वो दो क्लब से लिवरपूल एंड चेल्सी एंड इंटरेस्ट दिखाना बनता भी है। फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में नॉर्वे का होके उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। बाय द वे नॉर्वे ने रिसेंटली सारे मैचेस हारा ही है, बट फिर भी मैं बोलूंगा नॉर्वे का परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि नॉर्वे के पास बहुत कुछ ज्यादा अच्छे प्लेयर्स है नहीं, बट हाँ उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव तो हुआ ये एंड अर्लिंग ब्रॉड हालांड एंड मार्टिन ओडेगार्ड इन दोनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था एंड मेरे हिसाब से इसी के वजह से बहुत सारे दूसरे क्लब अभी देख रहे मार्टिन ओडेगार्ड के ऊपर उनका नजर है एंड लिवरपूल एंड चेल्सी अभी के लिए तो इन दोनों क्लब्स ने मार्टिन ओडेगार्ड के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है एंड डेफिनेटली मार्टिन ओडेगार्ड लिवरपूल या चेल्सी में जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी भी मैं बोलूंगा कि मार्टिन ओडेगार्ड रियल मद्रिद में वापस जाएंगे एंड रियल मद्रिद इतना इजीली मार्टिन ओडेगार्ड जैसे प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी रियल मद्रिद का जो टीम का कंडीशन है वो थोड़ा सा शेकी हो चुका है क्योंकि बहुत सारे ओल्ड प्लेयर्स हो चुके एंड एज के साथ साथ प्लेयर्स का क्वालिटी डिग्रेड होता है एंड वो सेम स्किल सेट नहीं रखा जा सकता, तो इसी के वजह से ऑलरेडी बहुत सारे ओल्ड प्लेयर्स है रियल मद्रिद में, तो मार्टिन ओडेगार्ड को तो शायद ही रियल मद्रिद छोड़े, बट हाँ डेफिनेटली चेल्सी एंड लिवरपूल जैसे क्लब्स जहां पे इंटरेस्टेड है तो वो लोग रिलीज क्लॉज देके भी मार्टिन ओडेगार्ड को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं एंड एज बिकॉज मार्टिन ओडेगार्ड को रियल मद्रिद में वैसे भी कुछ बहुत ज्यादा प्ले टाइम मिला नहीं था एंड आर्सेनल में उनको वो प्ले टाइम मिल रहा है, तो करेंटली चार क्लब्स आप बोल सकते हो मार्टिन ओडेगार्ड को अपनी टीम में रखना चाहते हैं एंड देखते हैं कि फाइनली मार्टिन ओडेगार्ड कौन से क्लब में रहते हैं। आज के इतने एंड हां माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, सो डेफिनेटली माय 11 सर्कल को चेकआउट करना। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।